कि क्या ये 7 नंबर लकी 7 होता है या अनलकी 7 होता है, क्या है मिथ, क्या है सच्चाई, ये आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। मैं ये पढ़ाता हूं कि 7 इज ए नंबर विच इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यस यस यस, जब ये लोग किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं बिना सोचने की ताकत के साथ, तो इनके साथ धोखे होने की बहुत ज्यादा संभावना। अंक बोलते हैं आओ सीखे अंक की भाषा, इसमें है जीवन की आशा। अंकों की तुम बात मान लो, जीवन को खुशियों से भर लो। बोलते हैं बोलते हैं। जबरदस्त जबरदस्त और जबरदस्त टॉपिक आज आपके साथ लेके आया हूं। बहुत से लोगों को लगता है कि क्या ये 7 नंबर लकी 7 होता है या अनलकी 7 होता है, इसको लेके बहुत बड़े एक भ्रम या बहुत बड़े एक मिथ्स हैं। क्या है मिथ, क्या है सच्चाई, ये आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज आपके साथ बात करता हूं, क्या 7 नंबर लकी होता है या नहीं होता है। मैं बहुत ही लॉजिकल और बहुत ही तर्कसंगत आपके साथ बात करूंगा 7 के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि 7 नंबर कौन से प्लैनेट का नंबर होता है। 7 नंबर होता है केतु। यस, 7 नंबर होता है केतु। सबसे पहले केतु की एक डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। केतु एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास हाफ बॉडी है। यस, इट इज ए हाफ बॉडी प्लैनेट। क्यों? इसके पास सर नहीं है, इसके पास सिर्फ लोअर बॉडी है, यानी कि इसके पास सिर्फ धड़ है, यानी कि हाफ बॉडी है। हाफ बॉडी किसके पास चली गई थी? राहु के पास। और राहु का कौन सा अंक होता है? नंबर 4। लेकिन आज सिर्फ हम लोग बात करेंगे केतु के बारे में। अक्सर जब आप सुनते होंगे तो लोग कहते होंगे जी लकी 7 लकी 7 लकी 7, 7 रंग होते हैं और बहुत सी बातें आपके साथ कर सकते हैं नंबर 7 के बारे में। जब आप तंबोला खेलते हैं तो वहां बोलते हैं चलिए लकी 7, तो वो मेरे नजरिए से 7 नंबर लकी है या अनलकी है। मैं दोनों पक्ष आपके सामने रखूंगा कि 7 नंबर के एग्जैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या ये लकी प्लैनेट होता है या आपके जीवन में थोड़ा सा ये अनलक लेके आता है। दोनों चीजों को आपके सामने रखता हूं और फिर आप ही डिसाइड कीजिएगा कि क्या 7 का नंबर लकी होता है या अनलकी होता है। नाउ 7 इज ए नंबर विच इज ए नंबर ऑफ केतु, राइट? और इसके पास सर नहीं है, सिर्फ लोअर बॉडी है। पहले आप खुद डिसाइड कीजिएगा, जो प्लैनेट कंप्लीट बॉडी के साथ नहीं है, हाफ बॉडी है उसके पास, तो क्या वो लकी हो सकता है? मेरे नजरिए से जब मैं एक टीचर हूं, एक कोच हूं जो ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं पिछले 24 साल से, तो जब 7 नंबर केतु को मैं एक्सप्लेन करता हूं तो मैं ये पढ़ाता हूं कि 7 इज ए नंबर विच इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। यस यस यस, 7 इज ए नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। ये आपको जिंदगी के अंदर 4 तरह की डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। कौन सी? सबसे पहले इश्क में धोखा, मोहब्बत में धोखा या शादी में धोखा। दूसरा धोखा ये आपको जिंदगी के अंदर दे सकता है पैसे का धोखा, यानी कि आपने किसी को पैसे दिए, उधार दिया और आपका पैसा वापस नहीं आया, तो आपको पैसे के अंदर, मनी के अंदर भी ये डिसअपॉइंटमेंट दे सकता है। अगर यहां से बच गए तो बहुत से लोगों को मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से जिनके पास मल्टीपल 7s होते हैं, हेल्थ के इश्यूज ऐसे लोगों को निरंतर निरंतर चलते रहते हैं। चौथा जो डिसअपॉइंटमेंट ये देता है वो देता है इमोशनल सेटबैक्स। किसी के ऊपर भी इस तरह के लोग जब ट्रस्ट कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो ऐसे लोगों को धोखे हो जाते हैं, अपनों से धोखे हो जाते हैं। अक्सर मैं कई बार बोलता हूं जिस आदमी के ऊपर आप जिंदगी भर पूरा विश्वास करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, मैं कहता हूं यही इंसान आपको जिंदगी के अंदर धोखा देगा। अगर आपके पास मल्टीपल 7s हैं तो ये 4 तरह के धोखे आपको जिंदगी के अंदर दे सकता है। अब बात करते हैं तर्क के साथ।
कि जो धोखे होते हैं, ये जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, चाहे इश्क में, मोहब्बत में, चाहे शादी के अंदर, चाहे इमोशनल सेटबैक से, पैसे की, और चाहे वो हेल्थ की, ये क्यों करता है ऐसा, तर्क देता हूं आपको। नाउ अब इसके पास क्या है, बॉडी हाफ है, सर है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा? इसका मतलब इसके पास सर नहीं है तो सोचने की ताकत इसके पास नहीं है। इसका मतलब ये हमेशा तलाशता रहता है कि मेरी बॉडी कंप्लीट हो जाए, मेरे ऊपर किसी का हेड लग जाए ताकि बॉडी कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब इसकी जो डिपेंडेंस है, सोचने की जो डिपेंडेंस है, बाहर देखने की जो डिपेंडेंस है, वो हमेशा किसी दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। अगर इसके पास चंद्रमा यानी कि नंबर 2 का हेड लग जाए तो वैसी भाषा बोलता है, अगर इसके पास जुपिटर यानी कि नंबर 3 इसका सर लग जाए तो वैसी भाषा बोलता है, अगर इसके पास शनि का सर लग जाए तो वैसी भाषा बोलता है। अर्थात जिसका भी हेड इसको मिल जाए, ये उसी के पीछे चल पड़ता है, उस पर भरोसा कर लेता है। और इसीलिए जब ये लोग किसी के ऊपर भी ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं बिना सोचने की ताकत के साथ, तो इनके साथ धोखे होने की बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। अब मैं आपको कुछ डायमेंशंस बताता हूं, हाथ कंगन को आरसी क्या, फिर पढ़े लिखे को फारसी क्या। चलिए अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चेक कीजिएगा। अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आता है, यानी कि 2 बार आता है, 3 बार आता है, या 4 बार आता है, यानी कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आप 7 जुलाई 1997 को पैदा हुए तो 7 का अंक 3 बार आ गया, आप पैदा होते हैं 7 जुलाई 1977 को तो 7 का अंक 4 बार आ गया। ड्राइवर से भी आ सकता है, कंडक्टर से भी आ सकता है। तो आप देखिएगा कि अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आता है, पर्टिकुलरली 2 बार, 3 बार या 4 बार, तो मैं लिख के दे सकता हूं दोस्त, आपको जिंदगी के अंदर डिसअपॉइंटमेंट होना तय है। यस, चाहे वो इश्क में हो, मोहब्बत में हो, शादी में हो, इमोशनल हो, हेल्थ में हो, या आपको पैसे में डिसअपॉइंटमेंट हो, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ चेक करके देखिएगा आपको मेरी बात कितनी सच्चाईपूर्ण लगती है, ये आप तय कर लीजिएगा। यस, हमेशा मैं कहता हूं जिन लोगों का ड्राइवर साथ होता है, इस तरह के लोग किसी के भी पीछे बहुत जल्दी से प्रभावित हो जाते हैं। दीज पीपल आर वेरी इजीली स्वेट, वेरी इजीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द अदर्स। इसका मतलब अगर आप दूसरों से जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनके पीछे चल लगते हैं, तो आपको धोखा होने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत से लोग आज जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनकी दुखती रग पे शायद मैंने कहीं पैर रख दिया है। अगर आप किसी भी महीने की 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को पैदा होते हैं और आपके बर्थ चार्ट के अंदर 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आ जाता है, तो आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्ट मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो क्या सब कुछ इसके साथ नेगेटिव है? नहीं, कुछ ये पॉजिटिव भी देता है आपको। क्या अगर आपके बर्थ चार्ट में आपका ड्राइवर साथ हो जाता है या आपका कंडक्टर साथ हो जाता है, राइट, और आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक मान लीजिए 1 से ज्यादा बार आ गया, ऐसे लोगों के पास बहुत से गुण भी होते हैं। इस तरह के लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। यस, रिसर्चर हो सकते हैं। जो सवाल का जवाब किसी के पास ना हो वो इनके पास होगा। जिस मुसीबत को, जिस पहेली को कोई ना सॉल्व कर पाए, ये सॉल्व करके बताएंगे आपको। तो इसका मतलब इनके पास रिसर्च करने की ताकत बहुत अच्छी होती है। इस तरह के लोग स्पिरिचुअल बहुत हो सकते हैं। इस तरह के लोग बहुत धार्मिक भी हो सकते हैं। यस, स्पिरिचुअल हो सतके हैं या धार्मिक प्रवृत्ति के इस तरह के लोग हो सकते हैं। मैं अक्सर जब क्लास के अंदर पढ़ाता हूं ये सब्जेक्ट, तो मैं बोलता हूं जिनके पास 7 का अंक बहुत बार आता है, इस तरह के लोग एक ऐसी धागे पे खड़े होते हैं जहां एक तरफ काम और एक तरफ राम। यस, एक तरफ काम और एक तरफ राम। ये राम की यात्रा भी तय कर सकते हैं और काम की यात्रा भी तय कर सकते हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। चाहे तो काम को पालें, चाहे राम को पालें। अगर आपके बर्थ चार्ट में 7 का अंक 1 से ज्यादा बार आता है, तो ऐसे लोगों को ऑपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है, बहुत बहुत और बहुत जल्दी हो जाती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस ऐसे लोगों के साथ बहुत ही प्रबल हो जाते हैं। बट यस, इस तरह के लोग बहुत अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। किसी भी ऐसी चीज को जो कोई ना सॉल्व कर पाए, ये उसको सॉल्व कर लेते हैं। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, धार्मिक हो सकते हैं। एक और बहुत बड़ा प्लस बताता हूं ऐसे लोगों का, अगर आपके पास 7 का अंक चाहे 1 बार आता है, चाहे 2 बार या उससे ज्यादा बार आता है, एक बड़ी जबरदस्त पावर होती है ऐसे लोगों के पास। जानते हैं क्या? इंट्यूशन पावर। यस, इंट्यूशन पावर।
पूर्वाभास ऐसे लोगों को बहुत बहुत जल्दी होते हैं और बहुत अच्छे से इनको पूर्वाभास होते हैं। इसका मतलब अगर ये अपनी ट्यूशन पावर को सुनते हैं, अपने पूर्वाभास को सुनते हैं, तो इस तरह के लोगों को जिंदगी के अंदर सफलता तो मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पूर्वाभास, अपनी इंट्यूशन पावर को सुनना होगा। अब आप बोलोगे इनके पास ये इंट्यूशन पावर कहां से डेवलप हो जाती है? यस, क्यों इनके पास डेवलप हो जाती है, क्यों इनके पास सिक्स्थ सेंस पावर जो है वो डेवलप हो जाती है, मैं इसका तर्क बताता हूं। परमात्मा की रचना बड़ी अद्भुत है दोस्त, परमात्मा की रचना बहुत बहुत अद्भुत है। ऐसा परमात्मा ने कुछ किया आपकी बॉडी के साथ। सपोज कीजिए आपका एक हाथ नहीं है, मान लीजिए आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके पास एक हाथ नहीं है, तो वो क्या करते हैं? जो हाथ इनके पास नहीं होता है वो दूसरे हाथ से उतनी ताकत डेवलप कर लेते हैं, उतनी क्षमता बढ़ा लेते हैं दूसरे हाथ के साथ। मान लीजिए आपके पास कोई टांग नहीं, एक टांग नहीं है आपके पास, तो आप क्या करते हैं? वही क्षमता जो आपकी टांग के पास नहीं है आप दूसरी टांग से डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो इसके पास क्या है? सर तो है नहीं, सर तो है नहीं इसके पास, तो ये क्या करेगा? अपना पेट यानी कि जो इंटरनल पावर है उसको बहुत ज्यादा ये डेवलप करता है और उचक उचक के बाहर देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तो ये क्या करता है? बिना सर के भी अपनी जो इंट्यूशन पावर है उसको इतना एकत्रित कर लेता है, उतना उसको डेवलप कर लेता है ताकि ये बाहर देख पाए कि क्या हो रहा है। बट फिर भी इसको डिपेंड तो दूसरों के ऊपर करना ही पड़ेगा। तो ये पूरी की पूरी ताकत जब अपने पेट से डेवलप करता है बाहर देखने की, तो इसकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है। बट अक्सर मैंने देखा है इंट्यूशन पावर तो होती है इसके पास, पूर्वाभास तो होता है इसके पास, लेकिन उसको ये सुनते नहीं। यस, उसको ये सुनते नहीं। अगर ये अपनी इंट्यूशन पावर को नहीं सुनते हैं, उसको अप्लाई नहीं करते हैं, तो इस तरह के लोगों के पास धोखा होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा प्रबल हो सकते हैं। तो क्या करें, क्या करें फिर? मैं कहूंगा ऐसे लोगों को सबसे पहले मेरी एडवाइस तो ये होगी कि कभी भी आप पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस ना करें। यस, ट्रस्ट मी, पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप के अंदर किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो आपके पास धोखा होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, तो अवॉइड पार्टनरशिप। दूसरे मेरा सजेशन ये होगा, इस तरह के लोगों को सबसे पहले क्या करना चाहिए? शुक्र के पास आना चाहिए, नंबर 6 के पास जाना चाहिए। कैसे? फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान दें, फ्राइडे वाले दिन सफेद चीज का दान दें, आटा चावल दूध पनीर बर्फी खीर रसगुल्ला कपड़ा मिठाई किसी को भी दें जो अंगहीन हो, लूला लंगड़ा कोड़ी अंधा मिल जाए, ना मिले तो भिखारी, उसको ये सफेद चीज का दान दें। मान लीजिए आप इंडिया से बाहर रहते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं, यूएसए के अंदर रहते हैं, जहां पर ये अंगहीन या भिखारी आपको नहीं मिलेंगे, तो उस केस के अंदर आप क्या कर सकते हैं? किसी भी गुरुद्वारे के अंदर जहां पर लंगर लगता हो तो वहां पर आप सफेद चीज का दान दे सकते हैं। आटा हो सकता है, नमक हो सकता है, चावल हो सकते हैं, चीनी हो सकती है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आपको अपना वीनस की जो पावर है वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तो यहां से आपको कुछ राहत हो सकती है। दूसरा, कुत्ते को या कौवे को, प्रेफरेबली कुत्ता हो तो चलेगा, कुत्ते को या कौवे को दूध में भीगी हुई रोटी और साथ में ब्रेड, या दूध में भीगी हुई रोटी के साथ ब्रेड के साथ कुछ भी आप उसको चीनी वगैरह दें। अगर आप कुत्ते को ये दूध में भीगी हुई रोटी या ब्रेड खिलाते हैं तो यहां से भी आपके पास जो डिसअपॉइंटमेंट आपका जो फैक्टर है वो काफी हद तक कम हो सकता है। तो जिनके पास नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स आता है वो मेरी बात को बेहतर जान रहे होंगे, जातन लागे सोतन जाने। तो अगर आपके पास भी मल्टीपल 7 है तो आप अपने आप को एसोसिएट कर सकते हैं कि क्या ये डिसअपॉइंटमेंट का नंबर है, लकी नंबर है, या आपके लिए अनलकी नंबर है। So that's all for today's video, my dear friends. अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करूंगा एक नए टॉपिक के ऊपर। अगले वीडियो में आपके साथ मैं बात करने वाला हूं कि आप अपने घर का जो नंबर है उसको कैसे रीड कर सकते हैं, क्या उसके पीछे साइंस है, क्या उसके पीछे फार्मूला है, कि आपके घर का नंबर आपके लिए क्या लकी है या अनलकी है। So that's all for today's video, my dear friends. Thank you very much for listening me too patiently. God bless you all. Do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size.